उधर मुकुल रॉय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। लेकिन इससे छोड़कर अपनी सियासी घर वापसी जब उन्होंने की तो कहा कि हर कोई अब बीजेपी से बाहर निकल रहा है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। शुक्रवार का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए काफी अहम रहा। साल 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय फिर से तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए। सीएम ममता बनर्जी की मौजूदगी में मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। मुकुल की पार्टी में लौटते ही दीदी ने एक बार फिर से बीजेपी और इशारों में शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। मुकुल किंतु इलेक्शन समय আমাদের দল বিরোধী একটি কথাও বলেনি, যারা ইলেকশনের সময় গদ্দারি করে বিজেপির হাত শক্তিশালী করতে গেছে এবং গদ্দারি করেছে তাদের আমরা নেব না, এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। ওই মুকুল রায় নেবি টিএমসি মে শামিল হতে হি বিজেপি পর তীখা হামলা কিয়া। হাম তো বিজেপি ছোড় কে তৃণমূল মে আয়া হ্যায়, আবি বঙ্গাল মে যে স্থিতি হ্যায়, ইয়ে স্থিতি মে कोई बीजेपी छोड़ बीजेपी में रहेगा नहीं। बंगाल में सियासी उठापटक पर बीजेपी भी हमलावर हो गई और मुकुल रॉय की तुलना मीर जाफर से कर दी। तो मुकुल रॉय एक मीर जाफर है, हम लोग चाणक्य को समझते थे। बताया जा रहा है कि मुकुल रॉय की पार्टी में लौटने के लिए अभिषेक बनर्जी ने अहम भूमिका निभाई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष आरोप।